इसराइली दहशतगर्दी को लगाम पड़ गई, मिस्र सालिस बना। नेतन्याहू ने जंगबंदी का ऐलान किया, हमास ने भी तायीद की। 11 रोज में 65 बच्चों समेत 232 फलस्तीनियों की जाने गईं। सीज फायर पर अमल दरामद के बाद मस्जिद अक्सा में नमाज फजर की अदायगी। फलस्तीन में जगह जगह जश्न, नौजवान फलस्तीनी परचम थामे सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान का जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये इज्तिमाई और मुत्तहिद अमल की ताकत का नतीजा है। दुआ है जंगबंदी फलस्तीन में अमन की जाने पहला कदम हो। मुल्क में आज फलस्तीनी भाई बहनों से इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियाँ निकाली जाएंगी। पंजाब असम्बली में अराकीन की फलस्तीनी परचम थामे आमद। भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहा हैं। भारत को मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम बंद करना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का जापान में होने वाली फ्यूचर ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब, कहा भारत को 5 अगस्त 2019 को उठाए गए एक तरफा इकदाम पर नज़रसानी करना होगी। फलस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, कोरोना से मुकाबला अव्वलीन तरजीह करार दिया। फलस्तीन में बैनुल अक्वामी कौमी तायिद फौज की तैनाती और इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार देने का मुतालबा। पाकिस्तान मजलूमों की आवाज़ बन गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा इसराइलियों और फलस्तीनियों का कोई मुकाबला ही नहीं। सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम हो गई। शाह महमूद कुरैशी का CNN को भी दबंग इंटरव्यू, कहा इसराइल मजबूत रवाबित के बावजूद मीडिया के महाज पर जंग हार गया। गजा की तबाही की वीडियोस और तस्वीर ने आलमी जमीर को हिला कर रख दिया। CNN की एंकर की मुस्तकिल चढ़ाई की कोशिश, शाह साहब कमाल महारत से बच बच कर निकलते रहे। मुल्क में कोरोना से मजीद 102 मरीज जान से गए, मजमू अमवाद 20,089 हो गई। 24 घंटे में 51,528 टेस्ट किए गए, 3,070 नए केसेस रिपोर्ट, मजबत केसेस की शरह 6% के करीब रही। कराची वालों एहतियात करो, मास्क पहनो, सामाजिक फासला रखो, वरना मजीद सख्तियों का सामना होगा। कोरोना फिर सर उठाने लगा, एक हफ्ते के मुस्बत केसेस की शरह 16% हो गई। सिंध हुकूमत का आइंदा हफ्ते तक सूबे में पाबंदियां बरकरार रखने का ऐलान, 18 साल से जायद तमाम अफराद की वैक्सीनेशन भी शुरू। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के अरकान से मुलाकात करेंगे। सईद अकबर नुआनी, नुमान नंगड़ियाल, अजमल चीमा, उमर आफ्ताब और नजीर चौहान तहफुजात से आगाह करेंगे। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का इफ्तिताह हो गया। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से कराची और बीजिंग में वर्चुअल तकरीब में शरीक। चीन की मदद से तैयार जदीद तरीन प्लांट की ऑपरेशनल मुदत 60 साल है, मजीद 20 साल बढ़ाई जाएगी। आर्मी चीफ का दौरा यूक्रेन, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात को वसत देने पर इत्तफाक। अरबों की जमीन पर करोड़ों के जानवर, बिलावल हाउस के बाड़ों से मुतालिक समा की खबर पर पुलिस की शामत आ गई। 100 एहलकारों का मिनटों में तबादला हो गया, शोकॉज भी जारी। पुलिस एहलकार का कहना है अब हम पेशियां भुगतेंगे। दुबले पतले फुर्तीले लाहौर के कराटे किड्स, खेलों की सरगर्मियों पर कोरोना ने पाबंदी लगाई तो भाई बहनों ने घर में ही कराटे ट्रेनिंग शुरू कर दी। मूसा, महा और मलिहा बैन अल-अक़वामी इवेंट्स में कारनामे अंजाम देने के लिए तैयार। और सही कहते हैं, लाहौर लाहौर है। राजा रंजीत सिंह की बहन लाहौर की मोहब्बत में ऐसी गिरफ्तार हुई कि मरते दम तक लाहौर का ही दम भरती रही। शहजादी की जिंदा दिलों के शहर से मोहब्बत दास्तान सुनाएंगे इसी बुलेटिन में।